नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला बैड न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य और कराए गए मानक गुणवत्ता मापदंड का भौतिक सत्यापन वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी और ऑडिट विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक और एक अशासकीय सदस्य उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जाँच कराए जाने की मांग की है। दिनांक 9 अक्टूबर 2020 को मांग पत्र सौंपा गया था, जिसमें आयुक्त से मांग की गई थी कि रीवा जिले के पंचायतों की भौतिक सत्यापन तकनीकी अधिकारी एवं ऑडिटर की जांच कराई जाए। रीवा कमिश्नर ने अपने पत्र क्रमांक 3750 में दिनांक 8 जुलाई 2020 को पत्र जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विभाग को भेजा गया था। आवेदक बीके माला एडवोकेट सामाजिक कार्यकर्ता के पत्र के आधार पर कार्रवाई के लिए दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक उक्त मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर आज सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट बीके माला ने मीडिया को जानकारी दी। हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को एक ज्ञापन पत्र दिया था। उस ज्ञापन पत्र के माध्यम से मैंने निवेदन किया था कि समूचे रीवा जिले में अधिकतर ग्राम पंचायतों में व्यापक स्तर पर नियम विरुद्ध, गुणवत्ता विहीन और मानक के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं, जिसकी जांच के लिए मैंने निवेदन किया था। माननीय आयुक्त महोदय ने हमारे विषय को गंभीरता से लेते हुए इस प्रकरण में जिला पंचायत के सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया है और पत्र के माध्यम से उस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। और हमने उस पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि रीवा जिले के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों को आकेक्षण अधिकारी, संपरीक्षा निधि विभाग के जो वरिष्ठ ऑडिटर हैं, ताकि जिन ग्राम पंचायतों में जो मध्य प्रदेश सरकार व भारत सरकार की योजनाएं आ रही हैं या आई हैं, उनका वास्तव में क्रियान्वयन सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ग्राम पंचायतों में यदि सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो उसका भौतिक सत्यापन कराया जाए, स्थल निरीक्षण कराया जाए, और ऐसे ग्राम पंचायत में यदि ऐसे नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, नियम विरुद्ध कार्य हो रहे हैं, तो उनकी जांच कराई जाए और ऐसे ग्राम पंचायत में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 40 धारा 92 की कार्रवाई प्रस्तावित की जानी चाहिए। इस संदर्भ में हमने उन्हें ज्ञापन पत्र दिया है और ज्ञापन पत्र के आधार पर उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को पत्र प्रेषित किया है।